हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप डैट यू आर फाइन हेल्दी। सो वंस अगेन वेलकम टू माई चलाता हूँ टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, फिट फाट होंगे। तो गाइस, पिछले दिनों से काफ़ी जो बिजी था, और ऊपर से जो मेरा मोबाइल है उसका जो माइक्रोफोन है वो ख़राब हो चुका था। मैंने एक 10 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन जब मैंने अपनी वीडियो देखी तो उसका जो था माइक्रोफोन उसका ख़राब हो चुका था, तो वीडियो में साउंड ही नहीं आया। तब से मेरा दिल टूट गया, मैंने कोई वीडियोज़ नहीं लगाई यूट्यूब पर। तो अभी मैंने नया मोबाइल लिया है, तो इससे अब पहली वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत माजरत है जी, हम अपने चैनल पे वीडियोस नहीं लगा सके। तो बाय द वे, आज गुड न्यूज़ लेके आया हूँ आपके लिए यूके की तरफ से। तो गुड न्यूज़ ये है कि यार, अब जो है ना जॉब्स वगैरह हैं वो यूके में आना शुरू हो चुकी हैं। तो काफ़ी यूके के जो है हालात पहले से जो है बेहतर हो रहे हैं। अभी इलेक्शन भी आ रहे हैं, उम्मीद है इलेक्शन के बाद मज़ीद बेहतर होंगे। तो अभी जो नई अपडेट वो ये है कि भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि जब मैंने वीडियो लगाई थी, मेरा ख्याल आज से मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले वीडियो लगाई थी कि यूके में काम नहीं है ये वो, लेकिन अब जो है वो हालात आहिस्ता आहिस्ता बदल रहे हैं। क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके जो वीज़े चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे स्टूडेंट वीज़ा है, मेरा साल बाद ख़त्म हो जाएगा, कोई और आएगा उसका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा, तो वो उसको जॉब छोड़नी पड़ेगी, उसको आगे किसी और वीज़े में मूव होना पड़ेगा। तो इस तरह यूके का सारा सिस्टम इसी बेस पर चलता है कि पुराना जो है बंदा काम कर रहा है, उसका वीज़ा ख़त्म होता है तो वो अगली अपना जो है उसको कंटिन्यू करता है, अगली जॉब में जाता है, केयर सेक्टर में वगैरह वगैरह, वो उधर जॉब नहीं कर सकता जहाँ वो पहले कर रहा है। तो इस तरह वो जो पुरानी वैकेंसीज होती हैं वो खाली हो जाती हैं, तो उधर जो है हमारा फिर चांस आ जाता है। तो अभी यही हुआ यूके में यार, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी साल का दरमियान है, तो बहुत से लोगों के वीज़े ख़त्म हो चुके हैं, राइट टू वर्क उनसे उनके छीन ले गए हैं, और कई लोग तो दूसरी कंट्रीज़ में मूव हो चुके हैं। तो यही गुड न्यूज़ थी यार। अभी मुझे बहुत से ग्रुप में भी ना, जैसे कि मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं सिक्योरिटी के, काफ़ी ज़्यादा शिफ्टें भी आ रही हैं, सिक्योरिटी का भी काम बेहतर हो गया पहले से, और टेकवे की इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में भाई बहुत काम है अभी। इतनी तेज़ आवाज़ चल रही है कि मेरा जो मोबाइल है वो गिर चुका है। तो अभी मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई, अभी फूड इंडस्ट्री में यूके में बहुत ज़्यादा जॉब्स आ चुकी हैं, जो कि अच्छी बात है, अच्छे पैसे बन जाते हैं। मिनिमम जो है ना आप, सॉरी, मिनिमम आप डे का 60 पाउंड तो बना लेते हो टेकवे में जॉब करके, तो उसका तो बड़ा फ़ायदा। सिक्योरिटी का तो भाई अपना ही मज़ा है, आप 100-150 ईजिली निकाल लेते हो सिक्योरिटी से। तो सिक्योरिटी जो है वो भी आ रही है, क्योंकि लोगों के वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, अपने मुल्क वापस जा रहे हैं स्टडी पूरी करके, कई जो हैं वो वीज़े ले रहे हैं आगे, कई PSW पे जा रहे हैं। तो पुरानी जो जॉब्स हैं भाई खाली हो जा रही हैं। अभी बहुत ज़्यादा जो है ना कोरोना वायरस की वजह से, आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो एप्लीकेशन थी वो पेंडिंग थी, उनके फिर वीज़े लगे और एकदम सैलाब आ गया यूके में। तो तब से जो हालात ख़राब हुए थे, लेकिन अब ये है कि भाई सारा जो पीछे बैकलॉग है वो क्लियर हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स भाई सितंबर इंटेक में आ रहे हैं, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है कि भाई काम जो है वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह नहीं है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके असरात जो हैं वो साबित हो रहे हैं। क्योंकि पहले मैं बहुत नोट करता था, जो भी यूके की जॉब मार्केट है शेफील्ड, स्पेशली शेफील्ड की, और ऑल ओवर, बल्कि मेरे तो इंग्लैंड में मेरे फ्रेंड्स होते हैं तो सबसे कांटेक्ट करता रहता हूँ, तो मेरा हर वक्त यही होता है कि मैं जॉब मार्केट को देखूँ। तो अभी हर जगह पूछ रहा हूँ, अच्छा है भाई, बहुत अच्छा जो है वो अभी काम जा रहा है लोगों का, हर जगह जो है अभी जॉब्स वगैरह मिल पा रही हैं, लेकिन थोड़ी मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है सितंबर आने तक बेहतर हो जाएंगी। लेकिन आपने करना क्या है यार, जैसे ही आप यूके आओगे ना, आते साथ ही आपने जॉब सिक्योर करनी है। 1-2 महीना आपने कहा चलो 1-2 महीने बाद अप्लाई करेंगे, फिर तो आप बढ़ जाओगे, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। यानी कि इतने स्टूडेंट्स आएंगे वो अप्लाई करेंगे, पहले आओ पहले पाओ वाला साहब होगा। तो जिनके वीज़ा लगते हैं भाई साथ ही यूके आ जाओ, आते साथ ही जो आप अपनी जॉब शॉप है वो ढूंढ लो। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, मैंने आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करना था। आप बहुत कहते हैं कि जी आप हमें बहुत डीमोटिवेट करते हैं ये वो, तो भाई पहले मैंने वीडियो लगाई थी तब यूके के हालात वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जनवरी इंटेक रिसेंटली आई थी और 1.5 सारा बच्चा आ गया और बहुत हालात ख़राब थे। तो अभी जैसा कि सितंबर आ रही है, सितंबर के आने तक 99% जो है, मतलब कि पिछले साल के जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उन सब के वीज़े ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर PSW यानी कि 99% जो जॉब्स कर रहे थे वो सारी खाली हो जाएंगी, उनको भरने कौन आएगा? आप लोग आओगे। तो टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह काम मिल जाएगा। तो देखता हूँ आपको, आपने यूके आना है और मुझे ज़रूर मिलना है, और मेरे लिए कोई गिफ्ट भी ले जाना है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब अगले इतना ही, मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।